नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मातकंडर सिंह, आप देख रहे हैं टेज कुशीनगर। दोस्तों आज का टॉपिक वीडियो है, वीडियो जब हम एडिट करते हैं दोस्तों उसमें मोबाइल फ्रेम कैसे लगाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसकी एडिटिंग कैसे करता हूं दोस्तों, उसमें मोबाइल फ्रेम कैसे लगाता हूँ दोस्तों, आज मैं मोबाइल फ्रेम लगा के दिखाऊँगा दोस्तों कैसे लगाते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन का पता आपको मिलता रहेगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दोस्तों, वहाँ से जाकर आप लोग बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से ओपन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक ऐड आएगा, ऐड को कट कर लीजिए, उसके बाद आपके मोबाइल में बिल्कुल इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा वीडियो का दोस्तों, क्योंकि आपको वीडियो एडिट करना है दोस्तों। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सीधे आपके गैलरी में लेके जाएगा दोस्तों। आपके पास जो भी वीडियो हो, जिस वीडियो पर आप मोबाइल फ्रेम लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सही का निशान आएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से एक वीडियो बनाया उसी को ले लिया हूं दोस्तों। उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहां पे एक वाटर मार्क शो कर रहा है दोस्तों इनशूट का, इसको हटाने के लिए यहां पे देखिए एक बटन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपको सबसे नीचे वाले पर सेलेक्ट करना है फ्री रिमूव, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया हमारा वाटर मार्क हट चुका है दोस्तों। उसके बाद हमको मोबाइल फ्रेम लगाना है। मोबाइल फ्रेम लगाने के लिए आपको मोबाइल फ्रेम डाउनलोड करना होगा दोस्तों। आप जाकर क्रोम ब्राउजर में सर्च कीजिएगा तो मोबाइल PNG फोटो दोस्तों आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अब उसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप PNG में डाउनलोड नहीं होता है दोस्तों, उस फोटो को डाउनलोड करके आप PNG बना लीजिएगा दोस्तों। PNG बनाना नहीं आता है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना दिया है दोस्तों पहले भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दोस्तों। उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, PNG बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं मोबाइल फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। मोबाइल फ्रेम लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए स्टिकर का एक ऑप्शन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे बिल्कुल इस तरह से ऑप्शन आएगा दोस्तों आपके मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन शो कर रहा है दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए मैंने पहले भी एडिट किया है दोस्तों, यहाँ पे नीचे शो कर रहा है दोस्तों। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। चलिए मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका PNG फोटो होगा उसको सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को। अगर इसमें नहीं आता होगा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है दोस्तों रिसेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फोल्डर शो कर जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप जिस फोल्डर में रखे होंगे वहाँ से ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं यहीं से ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा शो कर रहा है दोस्तों, मैं ले लिया हूँ। लेने के बाद यहाँ पर देखिए एक सही का बटन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको सेट करना है। सेट करने के लिए यहाँ पे इससे छोटा बड़ा हम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। बिल्कुल इस तरह से आपको सेट कर लेना बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, आप लोगों को इस तरह से सेट करने के बाद बिल्कुल इस तरह से लेके आना है, इस तरह से लगा लेना है दोस्तों। देख लीजिए बिल्कुल लग चुका है दोस्तों। इसको लगाने के बाद यहाँ पे एक बटन शो कर रहा है दोस्तों, इस वाले बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि उनको वीडियो का लास्ट तक दिखाना है दोस्तों। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, एक वीडियो एंड, एक क्लिप एंड आएगा दोस्तों। आपको पहले वाले पे क्लिक करना है वीडियो एंड, क्योंकि आपको वीडियो को एंड तक दिखाना है दोस्तों। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये सेट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक सही का निशान आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो सेट हो चुका है दोस्तों, मोबाइल फ्रेम लग चुका है दोस्तों। उसके बाद मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। प्ले करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो प्ले हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए मोबाइल फ्रेम के साथ में वीडियो चल रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं वीडियो को पुश कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सेव कैसे करना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सेव बटन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कम, यहाँ पे 1080p है, इसको कम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिकेंगे यहाँ 720p का आएगा दोस्तों। 720p का आप कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ 720p पर रखता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कन्वर्टिंग वीडियो शो कर रहा है। यहाँ पर कन्वर्टिंग वीडियो यहाँ पर 0% है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ से कट भी, बीच वाले बटन से आप कट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका वीडियो कन्वर्टिंग होता रहेगा दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई भी और काम करना चाहते हैं तब बीच वाले से कट के लिए कर लीजिएगा दोस्तों, आपका वीडियो कन्वर्टिंग होता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ लेकर आऊँगा नया दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल का रेड बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के आल पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए।